गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शेरी ख्वाजा में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई मुहिम चलाई गई। हेडमास्टर की क्यादत में मुनक्कदा सफाई मुहिम के दौरान बच्चों, असाज़ा और दीगर अमला हुए सफाई मुहिम में शरीक, लोगों को भी दिया सफाई का पैगाम। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल पौंछ की क्यादत में नशा मुक्त भारत के तहत रैली की गई। बरामद डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला ने लिया मुहिम में हिस्सा। इंडोर भी हमारे यहाँ पर एक वार्ड बन रही है वो, ताकि हम 10 लोग उनके लिए बेड रखेंगे। अगर उनको एडमिशन की ज़रूरत है तो उनको वो दिए जाए। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो रिहैबिलिटेशन का है, जो लोग जिनका इलाज हो जाता है उसके बाद उनको फिट करके अपनी कम्युनिटी में जाके वो सोशल समाज में अपने में सेट हो सकें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं नशा मुक्त भारत के तहत की जाएंगी। महकमा बिजली के AEE मोहम्मद फजल की क्यादत में ऑफिसरान की एक टीम ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बिजली के बकाया बिलों को जमा न करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। जिला अस्पताल पहुंच में डॉक्टर मानु दत्ता की कयादत में कामयाब ऑपरेशन के जरिए 6 माह के बच्चे के पेट से 1 किलो कीड़े निकाले गए। डॉक्टरों ने वालदैन से अपने बच्चों का ख्याल रखने की अपील। जिससे बच्चे को जो प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए हमारे पास आया था। गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रोग्राम रखा हुआ है कि साल में 2 बार बच्चों को डीवर्म किया जाए, 10 फरवरी को और 10 अगस्त को। और हमारी टीमें जाती हैं और कोशिश करती हैं कि हमारे इन बच्चों को जो 1 साल से ऊपर लेकर 19 साल तक के बच्चे सबको डीवर्म किया जाए, उनकी दवाई आती है। और डॉक्टर गगनदीप सिंह वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन वेटरनरी अस्पताल पहुंच ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लमकी वायरस के हवाले से दी जानकारी। लोग अपना घर में देसी उपचार, देखिए हमें ये देखा गया है कि दूसरा लोग हैं वो क्या करता है कि वो जब भी उनका जानवर बीमार होता है उनकी कोशिश रहती है कि अपने जानवर के अपने देसी तरीके से उसका इलाज उसके इस्तेमाल करके उसका इलाज करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस बीमारी की है कि इसमें जो साइन और सिम्टम होते हैं बिल्कुल नॉर्मल बीमारी की तरह आते हैं, जैसे बुखार चढ़ता है, तेज बुखार होना, उसके बाद पाँव में सूजन होना, लास्ट में जाके इसमें पूरे शरीर में गांठें निकलती हैं, लम्स होना शुरू होते हैं। तो लोगों को लगता है कि जैसे सिंपल सा बुखार है या फिर कोई सूजन हो रही है तो उसका देसी नुस्खे अपनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी में लोगों से यही बहुत अपील करूँगा कि अगर आपको
कोई भी लक्षण दिखे, जैसे बहुत ही तेज बुखार होगा जानवर को, उसके बाद उसके टांगों में सूजन होने शुरू हो जाएगी या उसकी छाती में सूजन शुरू हो जाएगी, उसके बाद जाके इसके लंग्स होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम, गवर्नमेंट हाई स्कूल चंडक में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रोग्राम का इनेकाद बच्चों और असातिज़ा ने नशा न करने और दूसरों को नशे से दूर रखने के लिए हल्फ उठाया। महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर छुट्टी करने के मुतालबे को लेकर जम्मू में डोगरा और दीगर तंजीमों के इश्तराक से एहतजाज जारी। युवा डोगरा के लीडरान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंतबाह दिया कि अगर 23 सितंबर को छुट्टी न की गई तो जबरदस्त एहतजाज करेंगे। हर एक जम्मू का डोगरा जेड़ा इस डोगरा डांस दी बचाने वास्ते या जम्मू के डोगरा की आवाज चुकने वास्ते युवा राजपूत सभा का जिन्हें साथ दिता है उसका दिल की गहराई करने आज शुक्रिया अदा करने। उसके बाद यह लड़ाई लंबी है कि मैं 23 तरीक अगर छुट्टी नहीं थी मैं इतने आत्मदाह कर लेंग, फिर उसके बाद उसकी माता भी आखिरी मैं कर लेंग, लेकिन मैं उसी समझा ऐसा काम नहीं करना है, अहें छुट्टी लेनी है, उसका नुकसान नहीं करना है। लेकिन जल्द नुकसान करने की बारी आई सारे को अगे तो ही राजन सिंह हैप्पी चलो और पिछले सारी जनता चलो डोगरा सिखा जम्मू दे बाज है। रेलवे कॉलोनी नौगांव में शहरियों का एहतजाज, इलाका में स्मार्ट मीटर न लगाने का किया मुतालबा, कहा अगर इलाका में मीटर लगाए गए तो वो नहीं लगने देंगे। सर हम नौगांव रेलवे श्रीनगर कॉलोनी से बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट इसलिए है कि हमारे स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं जबकि हम फ्लड एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारी यहाँ जो क्रिटिकल कंडीशन है और गवर्नमेंट बजाते खुद यहाँ पर आए सर्वे करे, यहाँ हर कोई मजदूर तबके से बिलोंग करता है, यहाँ दिन में जो मजदूरी करता है शाम को वही रोटी हम खाते हैं, इस टाइम हमारा पेशेंट जो ऑक्सीजन पे है इन्होंने बिजली काट दी हमारी जबकि वो क्रिटिकल कंडीशन में। बच्चों पे इम्तिहान का सख्त दबाव है, असाजा को हर तरह का तआवुन किया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक तकरीब के दौरान कहा कि मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दिनेश सिंह जी का अभिनंदन करता हूँ जो ज्ञानवर्धक उद्बोधन हमने दिया है, खासतौर से विद्यार्थियों के भविष्य की चुनौतियों और यात्रा की। व्यक्तिगत रूप से भी मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता और आदर व्यक्त करता हूँ। 54 साल की लंबी यात्रा में जम्मू यूनिवर्सिटी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, इतिहास का बनना बिगड़ना, वर्तमान की चुनौतियों का विजय और भविष्य के निर्माण का संकल्प हर यात्रा का एक अहम हिस्सा होता है। 53 साल पहले यहाँ के 13 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में जो सिलेबस पढ़ाए जाते थे आज वर्तमान में 40 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में नहीं पढ़ाए जाते, और अगले 53 साल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आज उसका अनुमान लगाना मुझे लगता है कि असंभव सा। मित्रों, समाज और राष्ट्र के जीवन में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार ने बस्को स्कूल श्रीनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, कहा जम्मू कश्मीर की आने वाली फुटबॉल टीम सबसे बेहतर टीम होगी। सिक्स सेवन डिफरेंट स्ट्रीम्स में गेम्स होंगे और बेस्ट टैलेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, पर बेस्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के अलावा हर कोई खेले ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है और हम लोग उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पे जो टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है वो 14 टीम्स के बीच में होगा और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि टूर्नामेंट धीरे धीरे ग्रो करेगा, सब लोग खेल सब पाएंगे और हमारी सबसे बेहतरीन टीम्स में एक जम्मू कश्मीर की टीम भी मानी जाएगी। मार्च के बारे में आज बात नहीं करने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि